हाँ दीपा, आधी 2 मिनट के लिए जरा नीचे आओगी? नीचे? हाँ, I have a surprise for you. अच्छा ठीक है, आती हूँ. अरे अरे कोई दीपा, अरे कहाँ हो? अरे चलो, ओके मैं चल रही हूँ, ओके मैं चल रही हूँ. मैं तो बहुत मार खाने वाले जो कुछ कम 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 कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो. क्या ओफो, गिर गई मैं. लुक, रिलैक्स रिलैक्स, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. Are you crazy? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. What? शादी? शादी और मुझसे? दीपक, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूंगी. Oh please, हाँ, I'm a free boy. तो ये सब क्या था? पिछले 6 महीने से हम लोग साथ रह रहे थे. दीपक, that was all for fun. Yes, I liked you. Yes, I love you. But it doesn't mean I'll marry you. It doesn't mean I'll plan a family with you. No. And let me clear one more thing. ये सब करके ना तुमने मेरा दिमाग और खराब कर दिया है. तुमसे शादी करना तो मैं सोच भी नहीं सकती. Malti, and I think I can't carry all this thing further. So I'm leaving now. Okay? And you, don't come at my place anymore. Understand? Malti, please. हाँ हाँ. Shut up. Malti, please. Shut up. Malti, please listen to me. Bye. Malti, listen to me, please. हेलो सनी यार, मैं तुझे एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ. वहाँ पे मेरा कुछ सामान और वो कपड़े पड़े हैं, वो लेते आना.
क्या हुआ? कुछ बताएगा? कुछ नहीं यार, तू कल विवेक की पार्टी में नहीं आया? विवेक की? हाँ यार, कल कुछ काम था। काम? हाँ। तू यहां पर बैठ, मैं जा रहा हूं। ठीक है, बैठना है, बैठ। यू नो अशु, आई एम इन लव। इन लव? या। नाइस। देन? और पिछले 6 महीने से मैं उसके साथ लिविंग रिलेशन में हूं। यस्टरडे आई प्रपोज्ड एंड शी रिफ्यूज्ड। बट व्हाई? आई डोंट नो। उसके लिए ये रिलेशन एक फन था और कुछ नहीं। यार एक बात बोलो, तू लड़की को पहचानने में गलती कर बैठा है। Maybe you are right. मैंने लड़की पहचानने में गलती कर दी। तू इस रिलेशनशिप में सीरियस होता क्या? और वो तुम्हारे साथ टाइम पास सर, करती आप गई। कुछ लेंगे? जी सर, आपको कुछ नहीं चाहिए। It's okay, relax. That's the fact. यार, I'm serious about her and she ditch me. Look यार, 50% of the woman ditch. रीजन चाहे कुछ भी हो। तुझे याद है फेब में हमारी कंपनी का सेमिनार था? हम एक रेस्टोरेंट में गए थे लंच करने के लिए, यू रिमेम्बर? कुछ कुछ। एक लड़की सामने वाले टेबल पर बैठी थी, याद कर? दोस्तों, अगर हम 1 लाख का टारगेट कंप्लीट करते हैं तो कमीशन 2%, लेकिन नई पॉलिसी के हिसाब से 5 लाख पर 12%। 5 लाख के लिए बड़े क्लाइंट कहाँ से लाएंगे? और हम इन क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करेंगे? फोन से फॉलो करो, अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मीटिंग करो, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। नाइस आइडिया, यू शुड फॉलो इट। राइट। एक्सक्यूज मी गाइस, आई एम जस्ट कमिंग। एक्सक्यूज मैम, ये आपकी कीज टेबल पर रहेगी थी। ओह, थैंक यू वेरी मच, मैं बस वही ढूंढ रही थी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आई एम वर्किंग विद अ फाइनेंशियल कंपनी, आई हैव अ वेरी गुड फाइनेंशियल प्लान। ये मेरा कार्ड है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी। श्योर, थैंक यू। या, थैंक्स। माय प्लेजर। हेलो। हाय, इज दिस दीपक चौहान? यस। हाय दीपक, मैं मालती बोल रही हूँ। आपको याद है कॉफी शॉप में आपने मुझे मेरी कार की वापस की थी? या मैम, हाउ आर यू? यस, ऑल वेल, यू से? अच्छा दीपक, मैं ये बोल रही थी कि लास्ट टाइम आपने बताया था कि आप कुछ फाइनेंशियल प्लान्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आज मैं घर पे ही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरे घर आ जाइए, हम घर पे बैठ के बात कर लेते हैं। अभी? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है मैम, ओके। ओके, ऑल सेट, तो फिर मैं आपको अपना एड्रेस मैसेज कर देती हूँ, हम मिलते हैं फिर। ओके मैम, ओके। Thank you.
गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. प्लीज कम. थैंक यू. दीपक. यस मैम. वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? कोल्ड ड्रिंक्स एंड समथिंग एल्स? नो, आई डोंट ड्रिंक. ओके, सो यू डोंट ड्रिंक? यस मैम. यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नो मैम. कितना टाइम लगा आने में? 15-20 मिनट लगा है. दीपक. यस मैम. कोल्ड ड्रिंक्स फॉर यू. थैंक यू मैम. मैम, ये वो प्लान था जिनके बारे में मैंने आपको बताया था. ये चार प्लान है, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का और 15 साल का. कौन सा? या 5 साल में आपका 2% है, 7 साल में 10% है. एक मिनट, सीधा कीजिए. यस मैम. ये चार प्लान में 4 स्लैब हैं आपके. तो इसमें से आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कौन सा स्लैब लेना है. जैसे 5% में. यस मैम. मैं कह रही थी कि तुम यहाँ क्यों नहीं बैठते हो? मुझे वो देखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था. अब बैठो, बी कंफर्टेबल ना. या ओके मैम. थैंक यू मैम. बी कंफर्टेबल. या मैम. यस. ये चार प्लान, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल. तो इसमें 5 साल में है 2%, 7 साल में है 10% और ये 15 साल में आपके हो गए 15%, 20 साल में 20%. तो ये आपके ऊपर है मैम. फिर ये स्लैब कौन सा लेना है? दीपक. यस मैम. कोल्ड ड्रिंक. ये लो. थैंक यू मैम. चीयर्स. अरे दीपक, होल्ड 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 होल्ड. कोल्ड ड्रिंक है वो. या मैम. हाँ, क्या बता रहे थे? वो मैम, चार स्लैब थे इसके, 5 साल का. यस मैम. सिर्फ तुम ये काम की बात करते रहोगे या फिर कुछ अपने बारे में भी बताओगे? क्या बताऊँ मैम अपने बारे में? क्या बताओगे तुम अपने बारे में? ओके, गुड क्वेश्चन. चलो मैं पूछ लेती हूँ. लेट तो काफी हो गया है. यस मैम. तो खाना यहाँ खा लो और लेट हो जाएगा तो सो भी जाना, कल सुबह घर चले जाना. उस रात के बाद मैं उससे बड़ा अटैच हो गया. हम रोज मिलने लगे और कुछ दिनों में मैं उसके घर शिफ्ट हो गया. आई थिंक फोन गाड़ी में रह गया. तुम बैठो, मैं 2 मिनट में. 2 मिनट बस. यू नो, शी केयर्स मी अ लॉट. मुझे लगा कि शी वुड बी अ परफेक्ट वाइफ फॉर मी. दैट्स व्हाई आई प्रपोज्ड. आई रियली लव. Hey, Deepak, you remember me? Hi, Rajesh, how are you? बस बढ़िया यार. यहाँ कैसे? कुछ नहीं, वो लंच के लिए आए थे. By the way, meet my friend Ashu. Ashu is Rajesh. Hi, hi Ashu. वैसे हम लोग भी लंच के लिए आए थे. मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ. आओ, तुझे तेरी भाभी से मिलवाता हूँ. नहीं यार, हम by the way. Come on यार, join us. Let's go.
अशोक कम मालती मीट माय वेरी ओल्ड फ्रेंड दीपक हम कितने कम टाइम में एक दूसरे के कितना क्लोज आ गए हैं कल तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और आज एक ही घर में साथ साथ रह रहे हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरी लाइफ में इस तरह से अचानक आएगा और वो मेरे लिए इतना स्पेशल हो जाएगा जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना तो आई रियली फील सो अलोन तुम्हारा वेट करती हूँ कि कब तुम ऑफिस से आओगे और कब हम फिर से एक साथ होंगे आई मिस यू अ लॉट दीपक लाइफ में आज तक जो मैं मिस कर रही थी शायद वो यही था आई रियली लव यू यू आर द पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी द मोस्ट स्पेशल रोमांटिक लाइफ अरे भाई क्या हुआ क्या तुम एक दूसरे को जानते हो नहीं वो से हाय टू ईच अदर ना हाय हेलो दीपा प्लीज सिट या श्योर मालती हम 5 साल तक एक ही रूम में रहे हमने खूब मस्ती की क्यों वैसे दीपक तुझे एक बात बताऊं मैं इस दुनिया का सबसे लकी आदमी हूं कि मुझे इतना प्यार करने वाली वाइफ मिली पहले हमने प्यार किया फिर शादी की हमारी शादी को 10 साल हो गए बट इन 10 सालों में हमें कोई बच्चा नहीं हुआ पर इससे हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ा वी स्टिल लव ईच अदर पर कुछ दिन पहले हमारी जिंदगी में एक मिरेकल हुआ शी इज प्रेग्नेंट यार मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं बहुत खुश हूं क्यों मालती या यू आर ग्रेट यू आर वेरी लकी इट्स ऑल मिरेकल यू शुड लीव नाउ क्या हो गया यार और इतनी जल्दी यार अभी तो कुछ खाया भी नहीं तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई तो सही कह रहा है मेरी मजाक करने की आदत नहीं गई है यू बोथ एंजॉय ना वैसे भी पति पत्नी के बीच कोई तीसरा अच्छा नहीं लगता यू बोथ एंजॉय विद दिस मिरेकल किट वी विल मीट सम अदर डे बाय टेक केयर कम ऑन लेट्स गो दीपक सिट डाउन एनी गाइस Nice to meet you. Sugar, bye.